राम राम भाई सारे ने बालाजी महाराज की जय हो भाई। आज फिर आगे ड्रैग रेस पे, आज ड्रैग रेस है वरना की रिस्की, अब आपको दिखाते हैं। ठीक है ना गल खड़की भाई रस्सी सारा बंद कर लेता महाराज लॉन्च तो ये ना यार लॉन्च करिए नहीं ना वो ये बैग क्यों कर गई हो रे कुत्ता इतना गैप हाँ कति बराबर है। ओके ओके है बराबर दोनों बराबर दिखा है थोड़ा बहुत फर्क रहा है ना। ये आ गई भाई दोनों टक्कर में देख लो ना भाई ये भाई पोलो आ गई पेट्रोल 1 लीटर अरे भाई वरना है वो डीजल है भाई इनके ड्रैग रेस ये चालू हो जाएगी भाई भी। दो है तू भी है एक दो तीन करवाए इनकी वो उसने रुक जाए दो है क्यों इनकी एक दो तीन करवा वेंटो वरना डीजल भाई वेंटो पेट्रोल की है और वो वरना डीजल की है भाई इनकी ड्रैग रेस है भाई ब्रो ऑल रेस हो गई इनकी भाई है ना ना वैसे टायर फूके हैं भाई कुछ नाम ना दिया
बोल रहे छे। रोल रेस में तो वरना आगे गई। ये देखो भाई किन्नो रेड सिल्वर ब्लैक तीनों रेस के बाद से ये आ गई भाई रोल में। पोलो आगे है वरना पीछे। TSI एंड Hyundai वरना 1.5 टर्बो पेट्रोल। तो यार आपने पहले 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ जो Volkswagen का वर्टस मेरी GT है वो वाला आपने देखा होगा व्लॉग, लेकिन आज आप ये पहली बार देखने वाले कि 1 लीटर की 1.5 के साथ करने वाले हम। और 1.5 में नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, टर्बो है, तो टर्बो आपको पता ही काफ़ी तेज़ होने वाला है। लेकिन हाँ, एक लैग इस गाड़ी के अंदर ये रहेगा, मतलब एक चीज़ ये रहेगी कि ये DCT है, DCT लॉन्च नहीं होती और ये गाड़ी जो है 2200 RPM तक लॉन्च हो जाती है टॉर्क कन्वर्टर होने की वजह से। तो इस वजह से थोड़ी एडवांटेज स्टार्टिंग में मिलेगी उसको, लेकिन उसके बाद फिर सबको पता है यार ये 160 BHP है, कोई कम पावर नहीं है और 254 Nm टॉर्क है, बहुत ज़्यादा है। वो 7-speed का DCT गियरबॉक्स है, 1.5 लीटर का इनलाइन 4-cylinder इंजन है, 1170 किलो की गाड़ी है, तो क्लियरली वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर है गाड़ी की। और अगर हम इसकी वर्टिस की बात करें तो वर्टिस की पावर जो है वो कम है, 115 BHP, 178 Nm का टॉर्क है, दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेकिन वेट में 1300 किलो की है, तो क्लियरली वहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है वेट की वजह से भी। 6-speed का टॉर्क कन्वर्टर, लॉन्च अच्छी होगी, लेकिन वही है, देखते हैं कब तक लीड मेंटेन कर पाती है, क्योंकि निकलना तो इसने ही आगे, सीधा ड्रैग स्टार्ट करते हैं, मैं जाने वाला हूँ वर्टिस में, वही चलाएंगे। बहुत गैप दे दिया भाई, ये देखो वो साइड हो जाओ था मैं। ड्रैग रेस होगी भाई वरना की वन टू थ्री ओके फुल फुल पे है, फुल है नहीं, ड्राइव पे है गाड़ी, ड्राइव एसी ऑन। हिमांशु कौन सा है, बोल रहे भाई बोल, स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ किसकी किसकी, हाँ करना रिकॉर्ड। लिकट गई गुरु, लिकट गई बात है, जागी जागी लोरा को मत देखो यार, लोरा की ट्रैक नहीं कर रहे अभी, लेकिन हाँ वेंटो और वरना के बीच में करने वाले हैं। वरना 1.5 टर्बो पेट्रोल, वेंटो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, वेंटो की बात करें गाड़ी आती है 1200 किलो की गाड़ी है, वरना जो 1170 किलो की, 30 किलो भारी है वेंटो, हालांकि एक जनरेशन पुरानी है। उसके बाद भी पावर की बात करें, पावर में वेंटो 110 BHP, 178 Nm का टॉर्क, 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन। वरना की बात करते हैं, वरना आती 160 BHP, 1.5 liter का इंजन है फर्स्ट स्पीड और 255 Nm का टॉर्क, तो क्लियरली टॉर्क सीधा 70-75 ज़्यादा है।
और VSP के मामले में 50 ऊपर है, तो वरना का जितना तो पक्का है, बस ये देखना है कि वरना निकलती कितने पे आया, क्योंकि वरना के अंदर ही DCT का गेयरबॉक्स, और DCT का गेयरबॉक्स सबको पता है लैग मारता है स्टार्टिंग में, वो मैनुअल है, लॉन्च अच्छी होगी, वो लैग नहीं। अब जनरली ऐसे केसेस में वेट का काफी डिफरेंस आता है, लेकिन इन दोनों के वेट में डिफरेंस नहीं है, वो 1200 किलो की और 1170 किलो की है, तो वन पॉइंट तो थोड़ा भारी है, लेकिन जो वेंटो का एक एडवांटेज है वो मैनुअल है, और जो है नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल वाला ना। हाँ नॉर्मल तो गाड़ी नॉर्मल मोड में रहेगी, कंफर्ट में है। रोल रेस पता है, मैं बताऊँ रोल रेस करोगे ना 14 स्पीड से सेकंड गियर पे करना है इसकी, बिकॉज 20 से करोगे तो वो गियर बहुत जल्दी मिलती है, सेकंड गियर पे 40 रहेगा। तो पहला ड्राइव यहीं से स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 करने वाले हैं। ये भाई आगे ले आओ थोड़ी, ये भाई ओ एक थोड़ी सी करवाई थोड़ी सी आगे कर दो, दोनों की होगी भाई। बोला बोला मोंटी, बोला तने मोंटी नाम है इनका, वो मोंटी है ना। हाँ मोंटी मोंटी। दरवाजा बंद कर दे यार, उस दिन जो है ना वर्टस वगैरह वो उन्होंने एग्जॉस्ट कर दोस्त। और साथ में हमारी 1700 डीजल, 1700 डीजल की अगर हम टॉर्क की बात करें 450 Nm का टॉर्क है, बहुत ज्यादा होता है हर गाड़ी के लिए, और BHP इसकी 185 है, 185 BHP 450 Nm का टॉर्क, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, और भाई गाड़ी बहुत तेज है, इनिशियली पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का, और साथ में अगर हम इस गाड़ी की वेट की बात करें 1800 किलो की गाड़ी है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसका, काफ़ी अच्छे से लॉन्च होती है, काफ़ी तेज भी है गाड़ी, और महिंद्रा ने एक तरीके से बहुत ही बढ़िया गाड़ी निकाली जो भागती बहुत ज़्यादा है। अगर हम साथ में हमारी स्कॉडा लॉरा की बात करें तो ये आती है हमारी 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, 1800 cc का इंजन है इसका, 2 लीटर का इंजन है, 2 लीटर एमॉक डीजल इंजन, और इसका 2.2 है इसका, सॉरी 2.2 है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन है इसका, और अगर हम इसकी बात करें स्कॉडा लॉरा की 1800 cc का इंजन यूज़ करके 1400 किलो वेट है गाड़ी का, 400 किलो का वेट है, फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यार गाड़ी में अगर आप इसमें 5 बंदे बिठा दोगे तो आपको बराबर वेट पड़ेगा, लेकिन फिर वही है पावर भी उस हिसाब से कम है, 160 BHP 250 Nm टॉर्क, टॉर्क सीधा 200 कम है, और BHP गाड़ी की सीधा क्या कहते हैं SUV स्टैंड का फर्क है, फिर वो SUV है उसकी एयर कटिंग स्लो होगी, इसकी सेडान है, एरोडायनामिक्स थोड़े बेटर होंगे, एयर काटती है, पेट्रोल डीजल का फर्क है, ये पेट्रोल है ये डीजल है, तो सीधा ड्रैग स्टार्ट करते हैं, मैं जाने वाला हूँ स्कॉडा लॉरा के अंदर। चलो भाई एक यार भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और यार ये रीच अच्छे से दिखाओ, यूट्यूब पे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना सब, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना लोग। गाइस मेरे चैनल का भी, मेरे चैनल में भी आपको इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरी वीडियोस में भी भाई अप्रिशिएट करना चाहिए इनको, इन्होंने बहुत सारी गाड़ियों में रेंज करी, और अभी ये बडिंग यूट्यूबर है, इन्होंने जस्ट शुरू किया है, इनके चैनल को सपोर्ट करो ताकि ये बड़े बनते रहे, लाइफस्टाइल वीडियो गेवरा के नाम से, खन्ना गेवरा के नाम से, और लाइफस्टाइल वीडियोस डालते हैं, ड्रैग रेसेस भी हैं, लेकिन इनके आप देखोगे मिक्स कंटेंट है काफी।
चल स्टार्ट करवा। और करते होंगे एक बार एक्सयूवी जीत गई भाई। ये फिर दोबारा होगी भाई। चलो